Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic distinction between MD and manager. जैसा कि previous lectures में हमने MD यानी कि managing director और manager दोनों के ही concept को discuss किया था, और जब इसके प्रोविजंस डिस्कस किए थे तो वहाँ हमने स्टडी किया था कि कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर में से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को ही क्रिएट कर सकती है, दोनों ही पोजीशन को एक साथ क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक कि इन दोनों में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर में और मैनेजर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या डिस्टिंक्शंस होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव गॉन विद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑन द राइट साइड द पॉइंट्स बिलोंग टू मैनेजर्स। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एमडी एंड मैनेजर। द वेरी फर्स्ट वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वाइल मैनेजर्स और मैनेजर इज इंटरेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी एमडी को अपॉइंट करती है तो एमडी के पास कंपनी के अफेयर्स को मैनेजमेंट करने की सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं, उसके पास कंप्लीट पावर्स होती हैं, सब्सटेंशियल पावर होती हैं। लेकिन जो मैनेजर होता है उसके पास होल या फिर सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज करने की पावर होती है। तो एमडी के पास तो सब्सटेंशियल पावर्स अवेलेबल होती हैं, जबकि मैनेजर के पास होल या फिर सब्सटेंशियली द होल पावर्स अवेलेबल होती है। सेकंड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? ओनली अ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी। यानी कि एक कंपनी के अंदर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर किसी को अपॉइंट करना है तो उसके लिए डायरेक्टर का होना जरूरी है। उस बंदे के लिए अगर वो बंदा या वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के डायरेक्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है तो उसको हम एमडी के पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते। जबकि मैनेजर की कंडीशन क्या है? नीड नॉट नेसेसरली बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक मैनेजर को किसी भी कंपनी का डायरेक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर वो डायरेक्टर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं है, उसको मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मे बी मोर देन वन एमडी इन अ कंपनी। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में अगर कंपनी एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, बट नॉट मोर देन टू डायरेक्टर टू एमडी। तो एक से ज़्यादा एमडी को अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी कंपनी में, लेकिन मैनेजर के केस में ओनली वन मैनेजर इन द कंपनी कैन बी अपॉइंटेड। केवल एक ही मैनेजर को अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? एमडी मे बी अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी के आर्टिकल में प्रोवाइडेड है कि एमडी को अपॉइंट किया जाना चाहिए तो केवल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एमडी कैन बी अपॉइंटेड। जबकि मैनेजर को जो कंपनी में अपॉइंट किया जाता है एज अ मैनेजर ओनली इन वन कंपनी, केवल एक ही कंपनी में मैनेजर को अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल जैसा कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन एमडी में बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी ही डायरेक्टर किसी भी डायरेक्टर को एमडी की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट डिफरेंस इज एमडी कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी इन मोर देन वन कंपनी। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है
कि अगर किसी कंपनी में एमडी को अपॉइंट किया गया है तो सेम पर्सन दूसरी कंपनी में भी एमडी की पोस्ट पर जा सकता है। जबकि जिस पर्टिकुलर पर्सन को मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है वो केवल और केवल एक ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर रह सकता है, एक से ज़्यादा कंपनी में वो मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये एक स्पेशल डिफरेंस रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर में और मैनेजर में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, अ पर्सन ऑटोमेटिकली सीजेस टू बी एमडी व्हेन ही सीजेस टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी कि जिस दिन पर्टिकुलर पर्सन के पास से डायरेक्टर सिर्फ चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का एमडी नहीं माना जाएगा। अगर उसको डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया जाता है, इफ द पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर देन ऑटोमेटिकली ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्योंकि कंडीशन क्या है एमडी के लिए, डायरेक्टर का होना। अगर डायरेक्टरशिप नहीं है तो एमडी भी नहीं कहलाएगा। तो प्राइमरी कंडीशन है एमडी की डायरेक्टर होना, और अगर वो डायरेक्टर की पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली एमडी की पोस्ट से तो रिमूव होना ही पड़ेगा उसे। जबकि एक पर्टिकुलर पर्सन जो मैनेजिंग पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, ही मे रिमेन मैनेजर इवन आफ्टर सीजिंग टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर उसको डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसका डायरेक्टरशिप रिमूव कर दी जाती है, उसके बावजूद भी वो मैनेजर बना रहेगा। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टरशिप की कंडीशन कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता है। इसी वजह से अगर डायरेक्टर की पोस्ट चली जाती है तो कोई बात नहीं है, उसे मैनेजर की पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता है इस कंडीशन पर कि उसके पास डायरेक्टरशिप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ एमडी इज ऑटोमेटिकली अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब मैं एक एमडी की बात करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर बन जाता है, क्योंकि डायरेक्टर है और डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर होता है। तो इसका मतलब एमडी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर होगा, वो तो ऑटोमेटिकली चलती है कहानी इसकी, है ना। जबकि एक जो मैनेजर है वो डायरेक्टर नहीं है, इसी वजह से उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का केवल केवल एक्स ऑफिशियो मेंबर मानते हैं। ही इज कंसीडर्ड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद द एमडी। यानी कि अगर एमडी के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को साइन किया है तो इसकी कॉपी उसे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी जरूरी है। मैनेजर के केस में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन की गई है तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, दिस इज द 9th डिफरेंस। क्या है डिफरेंस ये? यूजुअल प्रैक्टिस इज टू अपॉइंट एमडी इन अ कंपनी। अच्छा, जनरल प्रैक्टिस क्या होती है? जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि किसी भी कंपनी में एमडी को रखा जाता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बारे में कि वहाँ किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आप मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर ही अपॉइंट करते हो, यानी कि डायरेक्टर को एमडी की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। मैनेजर इज रेयरली अपॉइंटेड इन आ कंपनी। जबकि मैनेजर आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे, तो मैनेजर को बहुत ही रेयर कंडीशन में कोई भी कंपनी अपॉइंट करती है। हाँ, जनरल मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, लेकिन जो एक मैनेजर की पोस्ट है वो स्पेशली कंपनी के अंदर या किसी भी फर्म कंपनी के अंदर बहुत ही कम चांसेस पर क्रिएट की जाती है। जनरली आपको एमडी की पोस्ट ही दिखाई देगी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। ठीक है, नाउ वी कम टू द लास्ट डिफरेंस बिटवीन एमडी एंड मैनेजर, 10th डिफरेंस क्या है इनके बीच में? इट इज रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर। द रेम्यूनरेशन पेबल टू वन एमडी कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी।
बट इन केस ऑफ मोर देन वन MDs द कंपनी मे पे द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि पीछे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कंपनी एक से ज़्यादा MD को भी अपॉइंट कर सकती है। अब अगर उनको रेमुनरेशन पे किया जाना है तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट पे की जा सकती है उसके रिगार्डिंग एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? जो रेमुनरेशन है, अगर एक MD को आपको रेमुनरेशन पे करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग, तो वो कंपनी के नेट प्रॉफिट से के 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। कंपनी के नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी में एक से ज़्यादा MD हैं तो फिर कंबाइंड बेसिस पर जो अमाउंट पे की जाएगी एज ए रेमुनरेशन टू ऑल द MDs वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? एक MD है 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए नेट प्रॉफिट से, एक से ज़्यादा MD है तो टोटल अमाउंट कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैनेजर की। मैनेजर के केस में कंडीशन क्या है? द रेमुनरेशन पेबल टू अ मैनेजर कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर किसी एक मैनेजर को आप रेमुनरेशन पे करोगे तो वो कंपनी के नेट प्रॉफिट से 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि एक ही आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो। तो ऑब्वियस है कि केवल और केवल मैक्सिमम अमाउंट आपकी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट तक ही रहेगी रेमुनरेशन के केस में, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं दी जा सकेगी। जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है। तो इस तरीके से कंपनी के द्वारा MD और मैनेजर को रेमुनरेशन पे किया जाता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर विद इन अ कंपनी। ओके, थैंक यू।